आज प्राथमिक विद्यालय अस्थी के बच्चे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रोल प्ले करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल स्टोरी है बच्चों को शिक्षा देने वाली कि झूठ बोलने से किस तरीके से हमारा सब कुछ जा सकता है। और ये स्टोरी बच्चों के लिए है और बच्चे ही आज इसका रोल प्ले करेंगे। ये गोपी का किरदार निभाएंगे और देखेंगे कि ये गोपी किस तरीके से झूठ बोल करके अपना सब कुछ गंवा देता है और सबका विश्वास भी खो देता है। तो इस रोल प्ले को जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कालस्ती के बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रोल प्ले स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे आप सभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका शीर्षक है, झूठ बोलने से क्या नुकसान हो सकता है। गोपी बेटा। जी पिताजी। आज गाय चराने तुम चले जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। गाय को ध्यान रखना, कहीं शेर आके खा ना जाए। जी पिताजी। हट 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 हट, चल मेरी की हरी हरी घास है, खाओ और अपनी पेट भर लो। मैं पेड़ में बैठ कर आराम कर लेता हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे, चलो अब सबको बेवकूफ बनाता हूँ। ये हैं चाची, मामी, काकी, नानी, जो कि गांव वाले हैं और ये अपना अपना काम कर रहे हैं। मामी नानी बचाओ, शेर आ गया, बचाओ बचाओ। वो बच्चा अकेले है, चलो उसको बचाते हैं। चल के तुम भी कितनी बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। इसी तरह गोपी आए दिन गांव वालों को बेवकूफ बनाता रहता है और गाय चराने के साथ साथ मस्ती भी करता रहता है। आज तो बहुत सारी गाय दिख रही है, क्यों नहीं इनको खा के पेट बुझाया जाए। एक दिन सच में शेर और चीता गांव की तरफ आते हैं और वो गोपी की गाय को देख करके बहुत खुश होते हैं और गोपी बचाओ बचाओ चिल्लाता रहता है और शेर और चीते गाय को खाते रहते हैं। शेर को मेरी गाय खा रहा है, शेर बचाओ बचाओ। इसका रोज का काम ही है, चलो हम लोग निकल के काम करते हैं। रोज ही ऐसा ही करता है ये बच्चा। ये तो रोज करता है, इसका रोज का ही बहाना है। चलो कोई तो बचाओ, मेरी गाय खा लिया। और इन दोनों ने गोपी की सारी गाय खा ली और गोपी रोता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा। क्या भी बेटा, सेन सारी गाय को खा ली है।